वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मनीष फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से ये बॉन्ड भरवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा? जी बताना चाहूंगा, किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन इतना सतर्क है कि ये भूल गया कि कौन उपद्रव कर सकता है और कौन नहीं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मनासर के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, मिला है जहाँ न्यायालय तहसीलदार ने एक 80 वर्षीय वर्ग किसान को 107 और 116 के तहत साबित करने का नोटिस थम दिया है। जी मनीष, वही किसानों ये भी आरोप लगाया है पुलिस पर कि इस तरीके से बॉन्ड भरवा कर बिना बात के परेशान किया जा रहा है किसानों को। जी हाँ, ये बात सही है कि कुछ ऐसे किसानों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिनका पिछली बार आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे कई किसानों को नोटिस पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं, उनको तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जी मनीष, क्या कुछ लेकर मनीष किसानों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, कि जिस तरीके से उनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है और आपराधिक मामले अभी तक किसी भी किसानों पर नहीं है और इस तरीके से बॉन्ड उनसे भरवाया जा रहा है? जी, इसको लेकर किसानों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा मंदसौर एसपी और नीमच एसपी से बातचीत की गई थी। उसके बाद गृह मंत्री से भी इसके लेकर चर्चा की गई है यहाँ के नेताओं के द्वारा, और बताया गया है कि इस तरह से वही पुलिस का इस मामले में कहना है कि किसी भी प्रकार के ऐसा दबाव नहीं डाला जा रहा है। सिर्फ ये इसलिए कि शहर में शांति बनाए रखे, इसलिए इस तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लगातार बॉन्ड भरवा करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, वहीं 80 साल के बुजुर्ग किसान से भी बॉन्ड भरवाया जा रहा है और अभी तक किसानों में भारी आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर के, कि उनसे आखिर ये बॉन्ड क्यों भरवाया जा रहा है और किसान ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। नोटिस किस बात का मिला? तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 80 साल के बुजुर्ग से भी बॉन्ड भरवाया है, जो किसान ढंग से चल भी नहीं पा रहा उससे भी बॉन्ड भरवाया जा रहा है 25,000 रुपए का। दरअसल ये पुलिस इस वक्त काफी मुस्तैद नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से किसान आंदोलन 1 जून से शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं किसान भी बेहद ही आक्रोश में है। पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है किसानों में कि आखिर क्यों इस तरीके से बॉन्ड भरवाया जा रहा है और बॉन्ड भरवा के क्यों मानसिक तौर पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जून से लेकर 10 जून तक किसान आंदोलन करने वाले हैं और उसी सिलसिले में किसानों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। जिन किसानों का पिछले आंदोलन से कोई लेना देना भी नहीं है, उन किसानों से भी बॉन्ड भरवाया जा रहा है इस बार। अब 25,000 का ये बॉन्ड भरवाने के नोटिस थमाए गए हैं पुलिस की तरफ से। शांति भंग करने कारण क्यों ना आपसे रुपए 20,000 जमानत बचत लिया जावे, इतने राशि के बंद। किसानों का लगातार आक्रोश इस वक्त आप देख सकते हैं, जिस तरह की ये नारेबाजी चल रही है, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लगातार किसानों में आक्रोश है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दरअसल किसानों का कहना है कि उनको बेवजह मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है ये बॉन्ड भरवा करके, और जिन किसानों का पिछले आंदोलन से कोई लेना देना भी नहीं था उन किसानों से भी बॉन्ड भरवाया जा रहा है। उन किसानों के पास में भी बॉन्ड भरने के नोटिस आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ठीक है पुलिस लगातार मुस्तैद है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन कि कहां तक जायज है कि किसानों से इतना बॉन्ड भरवाया जाए। वहीं 80 साल के बुजुर्ग किसान से भी बॉन्ड भरवाया गया, आपको बता दें कि नोटिस थमाया गया 80 साल के बुजुर्ग से भी। शांति भंग करने कारण क्यों ना आपसे रुपए 20,000 जमानत बचत लिया जावे, इतने राशि के बंद।